इट्स ओके भाभी जी, मुझे यहाँ पे आने नहीं चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि यहाँ पे होने वाला है। एनीवेज इट्स ओके, बाय। निखिल जी, ये रश्मि की नासमझी। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम रियली सॉरी, आपने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी। आप बिल्कुल सही थी, रश्मि भी नासमझी कर रही है। नैतिक, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने जो भी किया ना, अपनी बहन के प्यार पे किया, लेकिन आपने देखा ना कि कितनी छोटी छोटी बातों पर ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप रश्मि को समझाएंगे ना तो वो समझेगी। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, सच में ये रश्मि का बचपना ही बच्चों जैसी जिद करने लगी। मुन्ना, इतनी बड़ी बात हो गई, हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? अरे हमें बुलाना चाहिए था ना बेटा। ना राजवर्मा, बात को संभाल ली, सबके सामने नहीं आने दी, नहीं तो जगह सही हो जाती। लेकिन अब क्या करें? तब तक मैं ही सबसे कहता रहा कि धीरज से काम लो, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जब जमाई सब मिलने के लिए आए तो काहे मना कर दिया? ये चाहती है छोरी, ठीक है और समय ले, लेकिन अपनी मर्जी से तो सारा काम ना करे। दादाजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं रश्मि से बात करूंगा, हालात की गंभीरता को समझना होगा उसे। अक्षरा, आजकल आपको क्या हो गया? आप चीजें भूल क्यों जाती हैं? अब क्या हुआ? अब क्या कहूँ आपसे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। खैर, मैंने दूध मांगा था, आपने दिया नहीं। वो तो मैंने वही ड्रेसिंग टेबल पर रख दी ना, आपसे कहा भी तो था। कह दिया रख दिया, हाथ में देने में कोई प्रॉब्लम थी क्या? सॉरी। मेरे कपड़े भी लॉन्ड्री में भेज दीजिए, वरना वो भी भूल जाएंगे आप। दादा, इतनी छोटी सी बात पर क्यों चिढ़ रहे? हो जाता है, कहीं का गुस्सा कभी कभी कहीं और निकल जाता है। थकान हो गई होगी ना, इसीलिए चिढ़ कर बात कर रहे हैं। हाँ तो आप पर अपना क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? जो आपका अपना होता है, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, उसी के साथ आप ऐसे बात कर सकते हो ना। और मैं जानती हूँ अभी थोड़ी देर में देखना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी रोजमर्रा की चीजें, लड़ना झगड़ना चिढ़ना, ये सब बातें अगर सीरियसली लेना तो फिर किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। इन सब बातों को जाने देना चाहिए। अब खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये लो, इसे पूछ लेना। बेटा, भूल हम सभी से होती है, किसकी जिंदगी में समस्या ना आए, तू भी उसी एक दौर से गुजर रही है। बेटा, हम सब थारी खुशी चाहते। मन ने तो याद आ गया वो दिन जब तू इतनी सी थी, दादाजी के गोद में आ जावी थी और ऊपर उछलता था, तू किलकारी मारकर हंसती थी, जरा सा डरना था हर आंखों में, क्योंकि तू जानती थी कि थारे दादाजी गिरने ना देंगे। जब थारे बाऊजी थारे को साइकिल चलाना सिखाते थे तो तुझे उन पर भरोसा था कि बाऊजी संभाल लेंगे, तो अब वो भरोसा वो विश्वास कायना है हम सब पर। देख बेटा, हम सब थारे साथ हैं, तो एक बार पूरी तरह से अपने मन से कोशिश कर, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है बेटा। तुम आनेगी ना अपनी दादाजी की बात, जाएगी ना अपने ससुराल,
दादाजी, मैंने पहले भी कह दिया जो मुझे कहना था।